आपको बताएं कि रावलपिंडी अडियाला जेल में साइफर गुमशुदगी केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस ने अडियाला जेल में इन कैमरा समाअत की। पीटीआई वकला और एफआईए प्रोसिक्यूटर्स अडियाला जेल में मौजूद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चलान के नकुल फराम किए गए। एफआईए ने चलान में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया। पीटीआई की जानिब से 12 वकला को अडियाला जेल में दाखिले की इजाजत मिली। साइफर केस की मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताते चले कि रावलपिंडी अडियाला जेल में साइफर गुमशुदगी केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत अडियाला जेल में इन कैमरा की। पीटीआई वकला और एफआईए प्रोसिक्यूटर अडियाला जेल में मौजूद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चलान के नकुल फराम किए गए। एफआईए ने चलान में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया। पीटीआई की जानिब से 12 वकला को अडियाला जेल में दाखिले की इजाजत मिली। साइफर केस की मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी अडियाला जेल में साइफर गुमशुदगी केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस ने की समाअत अडियाला जेल में इन कैमरा की। पीटीआई वकला और एफआईए प्रोसिक्यूटर अडियाला जेल में मौजूद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चलान के नकुल फराम किए गए। एफआईए ने चलान में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया। पीटीआई की जानिब से 12 वकला को अडियाला जेल में दाखिले की इजाजत मिली। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई।